ये खूबसूरत मंदिर शहर सासाराम का है। ये हमारा सासाराम शहर बहुत पुराना शहर है और ये मकबरा जो आप देख रहे हैं शेर शाह सूरी का मकबरा है। और इस मकबरा से आज तुराब न्यारी जो रोहतास का लाल रोहतास का बेटा बताते हैं। आइए सुनते हैं उनकी बातों को कि आज क्या यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं आप सभी को। सुनिए तुराब न्यारी की पूरी बात। ऐतिहासिक शहर सासाराम में, शहर सासाराम कई मामलों में प्रसिद्ध है। आखिरी बार तो आपने दंगा से सुना होगा, लेकिन जब पहली बार सुना होगा तो इस देश को जो नेशनल हाईवे का प्रतीक है इसी सासाराम की धरती से मिला है। वहीं सिक्के की उपज भी इसी शेर शाह सूरी उन्हीं के ऐतिहासिक मकबरे में, जो कि भारत में अपनी तरफ एक खूबसूरती एक अट्रैक्शन को समेटे हुए। रोहतास की धरती और भी कई मानों में बहुत महान है, जैसे रोहतास पहाड़, कैमूर की पहाड़ी, कई ऐसे झरने, चाहे वो आस्था के मामले में चौरासन शिव मंदिर हो, रोहतास का रोहतासगढ़ किला हो, साथ ही साथ वहाँ पे सखबबल शहीद और ऐसे कई चीज़ें हैं जहाँ पे सासाराम, पूरे रोहतास या पूरे ज़िले की बात की जाए। बहुत अफसोस के साथ बीते रामनवमी में एक घटना घटी। घटना बहुत छोटी थी, लापरवाही भी कह लीजिए, हम आम जनमानस की या ख़ास तौर से हम जैसे लोगों की या समाज के उन लोगों की जो अग्रिम पंक्ति में नज़र आते हैं, चाहे वो प्रशासन के सहयोग की बात हो, चाहे ये आम जनमानस की बात हो या किसी पर्व में शांति समिति की बात हो, कई बार घटना छोटी वजह से घटती है। मुहर्रम का पवित्र महीना चल रहा है, इस्लामिक नया साल भी है और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का कुर्बानी का महीना। मुहर्रम कई मामलों में बहुत पवित्र है, इसकी आस्था मुसलमानों को डायरेक्ट टच करती है और न कि सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू और पूरी दुनिया के हर जात, हर धर्म, हर कौम के लोग की बात जब आती है तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बात पर इत्तफाक रखते हैं। चूँकि मज़लूम वो शख्स नहीं था, मगर फिर भी जुल्म सहा इस्लाम को बचाने के लिए, हक परस्ती को बचाने के लिए। बहरहाल बात सिर्फ इतनी सी है कि बीते रामनवमी में जो कुछ घटना घटी जिससे हमारा शहर, हमारा क्षेत्र शमशार हुआ पूरी दुनिया में, उस तरह की घटना के लिए फिर कुछ लोग फिर से तैयारी कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं मुहर्रम है, आज भी दुनिया सूरज पर रिसर्च करना चाहती है, भारत चांद पर 300 करोड़ खर्च करके जा रहा है, मगर हम जिला वाले मुसलमान अभी भी हिंदू मुस्लिम नगर पूजा समिति और मुहर्रम कमेटी और खलीफा के पीछे लगे हुए हैं। कोई मन के लायक नहीं बना तो उसका विरोध, कहीं ताजिया का विरोध, कहीं ताजिया निकलने का विरोध, कहीं किसी तरीके से समाज को डिस्टर्ब करना एक मकसद होता है। वैसे लोगों से आज एक बात बतानी है, एक आईना दिखाना है कि बीते दिनों जो घटना घटी थी उसमें लगभग 250 लोग आज फंसे हुए हैं। आज 250 लोगों के घर पर ज़रूर जाइएगा आप, जब आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो आपसे अनुरोध है, जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, या यूं कहूं कि जो शहर को जलाना चाहते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग से मेरा कहना है कि अगर आपके अंदर भी कोई धार्मिक उबाल उमड़ रहा है, आपको भी लग रहा है कि आपके धर्म के साथ, आपके आस्था के साथ या आपके लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले उन 250 लोगों के घर पर जाइए जिन्होंने सासाराम दंगे में अपना सब कुछ गंवाया है। कुछ लोगों की संपत्ति जलाई गई है, कुछ लोगों को केस में नाम है। 90% केस अगर सही से जांच किया जाए तो वो लोग भी फंसे हैं जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, उनका मकसद वो नहीं था लेकिन आज सलाखों के पीछे हैं या केस में कहीं ना कहीं उनका नाम है। तो जब नाम आता है मेरे भाई, या जब कोई ऐसी घटना घटती है, तो उस वक्त कोई संगठन, कोई नेता, कोई जात, कोई धर्म नज़र नहीं आता है। आज 2-3 महीना बीत जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले होंगे, आप और आपका परिवार इस मसले में उलझ रहा होगा। आप वकील खोज रहे होंगे, आप डॉक्टर खोज रहे होंगे, आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही होगी। ना कोई हिंदू हृदय सम्राट अपने संगठन की मदद को नज़र आ रहा होगा, ना कोई मुस्लिम हृदय सम्राट आपके संगठन को मिल रहा होगा मदद पहुंचाने के लिए। तो बराए मेहरबानी आप सबसे पहले अपने मुसलमान भाइयों से और उसके बाद इस शहर के हिंदू भाइयों से, या फिर पूरे ज़िला और पूरे प्रदेश या सुनने वाले उन तमाम लोगों तक मेरा अनुरोध है कि ये पर्व, ये शहर आपका है, इसको बचाना और इसको शांति से मनाना आपकी जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन ने बहुत सारे गाइडलाइंस तय किए हैं। जिला प्रशासन, आदरणीय जिला अधिकारी महोदय, चूँकि एक जिला अधिकारी DM या पुलिस अधीक्षक महोदय, SP या जो भी वरीय पदाधिकारी जब बैठते हैं या समाज के बेहतरीन लोग, तो बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा होता है, उसमें जो कुछ अच्छा होता है उसका निचोड़ निकाला जाता है। तो जो भी जिला प्रशासन की गाइडलाइंस है उसको ज़रूर माने, चूँकि अंत में यही जिला प्रशासन के साथ आपको रहना है, आपके शहर को रहना है। कुछ उनवादी लोग, कुछ खलफसारी लोग आएंगे, आपके पूरे शहर को बर्बाद करके चले जाएंगे। ऐसे बैड एलिमेंट से बचना है, ना कि सिर्फ शहर सासाराम बल्कि डेहरी, नगर पंचायत रोहतास, अकबरपुर समेत जिला भर में, प्रदेश भर में, देश भर में, जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, उन तमाम लोगों से अनुरोध है
कि ये भारत देश हमारा है, भारत के लोग हमारे हैं, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म से हैं, वो सब हमारे अपने हैं। इस बार मुहर्रम को कम से कम ये आईना बनाइएगा कि आप एकता दिखाइए। मुसलमान को चाहिए कि जहाँ पे कुछ अगर कमी भी हो रही हो तो उसको इग्नोर करें। हिंदू भाइयों को चाहिए कि जहाँ पे जो कमी हो रही हो आगे बढ़ के उनकी इस्लाह करें, उनको समझाने की कोशिश करें। आप दोनों समुदाय, हम दोनों समुदाय, हम सब लोग मिलके स्थानीय प्रशासन के साथ बैठ के जो भी समस्याएं हैं विधि सम्मत कार्रवाई कराएंगे। समस्या के बाद और किसी तरह का कोई इशू क्रिएट नहीं करना है, कहीं पे भीड़ को बल नहीं देना है, बल्कि भीड़ को समझाना है, उनके घर तक बढ़ाना है। ये हमारा शहर है, आप उसको बचाना है, ये हमारा पर्व है, उसको मनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।